दोस्तों, सितंबर के इस महीने में मोटोरोला ने अपना एक स्मार्टफोन न्यू लॉन्च किया है मोटो एज 40 नियो के नाम से। तो चलिए जान लेते हैं स्मार्टफोन की क्या क्या होगी स्पेसिफिकेशन, इसके क्या क्या होने वाले हैं फीचर्स। इससे पहले आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए करते अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, अगर मोटो एज 40 नियो की बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको दो अलग अलग वेरिएंट में मिलेगा, 8GB 128GB और 12GB 256GB। ये दो इसके वेरिएंट आपको मिलेंगे। इनके प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 25,000 में आपको 8GB वाला वेरिएंट मिलेगा और 26,000 में आपको 12GB वाला वेरिएंट मिलेगा। कलर में आपको यहाँ पर तीन डिफरेंट कलर मिलने वाले हैं। ब्लू मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा और ब्लैक मिल जाएगा। इस फोन में आपको वैगन लेदर के टेक्सचर मिल जाते हैं बैक पैनल में। ध्यान में आपको यहाँ पर ये रखना होगा, जो ब्लैक कलर वाला स्मार्टफोन है इसमें आपको लेदर का कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं मिलता है। 6.55 इंच की यहाँ पर डिस्प्ले आपको मिल जाती है, जो कि एक POLED डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, मतलब कि आपको स्मूथनेस भरपूर मिलने वाली है इस फोन में। ये डिस्प्ले आती है 1 बिलियन कलर्स के साथ और यहाँ पर आपको 1300 निट्स की ब्राइटनेस कंट्रोल भी मिल जाती है। 400 PPI की यहाँ पर डिस्प्ले डेंसिटी मिल जाती है और इस फोन को अट्रैक्टिव बनाता है इसका डिस्प्ले की डिज़ाइन, क्योंकि ये एक कर्व डिस्प्ले है। अब परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि 2 ईयर्स तक अपग्रेडेबल होगा। और इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलेगा मीडियाटेक 7030 का मिलेगा। 6 NM बेस्ड प्रोसेसर है, 2.5 GHz एक ऑक्टा कोर भी ये प्रोसेसर है। ओवरऑल ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 695 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ग्राफिक्स और गेमिंग के लिए यहाँ पर माली G610 का GPU भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। कैमरे को अगर देखते हैं तो डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है इसके बैक पैनल में। इसका जो मेन कैमरा है वो 50 MP का कैमरा है, जो कि OIS सपोर्टेड है। और यहाँ पे जो इसका सेकेंडरी कैमरा है वो 30 MP का एक वाइड एंगल कैमरा है, जो कि 130 डिग्री एंगल को कवर करता है। और इस कैमरे के थ्रू आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते हैं 30 FPS के रेट पर। यहाँ पर अगर फ्रंट कैमरे को देखते हैं तो इस फोन में आपको 32 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है और इस कैमरे के थ्रू भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं 30 FPS के रेट पर। इस फोन में आपको डुअल स्पीकर सेटिंग मिल जाती है और इस फोन की साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये फ़ोन सपोर्ट करता है डॉल्बी एटमॉस फीचर को। कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिल जाता है ऑन स्क्रीन डिस्प्ले स्कैनर और यहाँ पर आपको IP68 की भी सिक्योरिटी मिल जाती है। तो वाटरप्रूफ भी आपका फ़ोन है और डस्ट प्रूफ भी आपका ये फ़ोन है। अब यहाँ पे जो आपको बैटरी मिलेगी 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, तो दिखाया जाता है ये बैटरी काफ़ी भारी भरकम है और ये स्मार्टफोन आता है 68W के पावर एडाप्टर के साथ। तो डेफिनेटली आपका ये स्मार्टफोन क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। सो गाइस, मोटोरोला का ये स्मार्टफोन ये फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होगा, तो फ्लिपकार्ट पे जाकर के आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। फिलहाल के दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।